इधर दौसा में महिला डॉक्टर की आत्महत्या का मामला है। एपीओ किए गए जीएसपी को निलंबित किया गया है। ये बड़ा अहम फैसला, सख्त कार्रवाई यहां पर की गई है। जहां दौसा में महिला डॉक्टर की आत्महत्या मामले में पहले एपीओ किया गया था डीएसपी को, लेकिन अब एपीओ किए गए डीएसपी को निलंबित कर दिया गया है। सख्त एक्शन लिया गया है यहां पर डीएसपी पर, क्योंकि एपीओ किया गया था तुरंत ही जैसे ही ये मामला सामने आया, क्योंकि उनकी लापरवाही सामने आई थी, लेकिन अब निलंबित किया गया है डीएसपी को। डीएसपी सस्पेंड किए गए हैं इस मामले में। एक तरफ डॉक्टर्स की हड़ताल लगातार जारी है, फैसला यही लिया गया। हालांकि पहले यह जानकारी आई थी कि शायद हड़ताल डॉक्टर्स की खत्म हो रही है, लेकिन इसके बाद ये बातें सामने आ रही कि दो फायर डॉक्टर्स में है। लेकिन जीवीएम होने के बाद साफ किया है डॉक्टर्स ने कि हमारा जो फैसला है वो हम सब एकमत एक राय है, और इसलिए हम ये आंदोलन आगे भी जारी रखेंगे। दूसरी तरफ इस मामले को लेकर एपीओ किए गए डीएसपी को निलंबित कर दिया गया है। सख्त कार्रवाई डीएसपी पर। तो दौसा में महिला डॉक्टर की आत्महत्या से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर है। पहली ये कि आंदोलन यथावत जारी रहेगा, आंदोलन खत्म नहीं होगा जब तक कि मांगे नहीं मानी जाती। दूसरी तरफ एपीओ किए गए डीएसपी शंकरलाल मीणा को सस्पेंड कर दिया गया है। ये बड़ा एक्शन लिया है और डीजीपी ने इसे लेकर आदेश भी जारी कर दिए हैं। दौसा में डॉक्टर अर्चना शर्मा की आत्महत्या से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। डीएसपी शंकरलाल मीणा सस्पेंड किए गए हैं, जिन्हें पहले एपीओ किया गया था। डीजीपी ने इसे लेकर निलंबन के आदेश जारी किए। और चलिए संवाददाता विकास शर्मा का रुख कर लेते हैं, लगातार इस खबर पर जानकारी दे रहे हैं। विकास, इंतजार यही था कि शायद ये मीटिंग हो रही है जो उस पर कोई फैसला लिया जा सके जीबीएम, लेकिन खत्म होने के बाद साफ कहा डॉक्टर्स ने यथावत यह आंदोलन जारी रहेगा। क्या फैसला लिया है सभी डॉक्टर्स ने, किस तरह से आम मरीज प्रभावित होगा इससे? देखिए सुबह कल रात से ही हमने इस पूरी खबर पे अपडेट बनाए रखा है, और साथ में हमारे दर्शकों को बताया कि किस तरह से अपडेट चल रहा है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जो राजस्थान ब्रांच है उसकी तरफ से कल आंदोलन समाप्त करने की घोषणा की गई थी, लेकिन सुबह जैसे ही और जो संगठन हैं साथ के जो इस पूरे हड़ताल जुड़े हुए थे उन सभी संगठनों को जैसे पता चलता है उसके बाद में बड़ा आक्रोश जो है वो देखने को मिला है। उसके बाद में कुछ ही देर पहले जीबीएम खत्म हुई है, जीबीएम में फैसला लिया गया है कि जो आंदोलन जो है वो यथावत रखा जाएगा। हमारे साथ मौजूद है पहले तो कपूर साहब, उनसे बात करते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल नर्सिंग होम सोसाइटी के सेक्रेटरी हैं। सर, अभी फैसला लिया गया है कि आंदोलन जारी रखेगा, किस तरह का ये फैसला लिया गया है? और सरकार ने काफी हद तक मांगे मान ली है, लेकिन फिर भी आप लोग इस बात पे अड़े हुए हैं कि आंदोलन जारी रखें। सरकार ने क्या मांगे मानी है? सरकार ने तो काफी सारे प्रमुख बिंदुओं पे, अब मेरे पास तो खैर वो भी इंफॉर्मेशन नहीं है, सरकार से किसने वार्ता की है, सरकार के समक्ष क्या मांगे रखी गई हैं और सरकार ने क्या मांगे मानी है, मेरी जानकारी में नहीं है। मेरी जानकारी तो इतनी सी है कि ये आंदोलन जारी पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा, तब तक जब तक कि हमारी सिंगल सूत्री मांग छहों कल्प्रिट्स इंक्लूडिंग 3 पुलिस ऑफिसर्स का सेक्शन 306 के तहत मुकदमा दायर करने के बाद गिरफ्तारी नहीं हो जाती, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा और उग्र होता जाएगा और फैलता जाएगा। कपूर साहब बोल रहे हैं आप कि मुझे मालूम नहीं है, मालूम कैसे पड़ेगा? आप मालूम करोगे तब पता चलेगा। किससे मालूम करूँगा? कल ऑर्डर निकले हैं, बहुत सारे ऑर्डर, अभी कुछ ही देर पहले अभी सेकंड पहले ऑर्डर निकला है कि जो वहाँ के डीआईएसपी उनको निलंबित कर दिया गया, ऑर्डर भी निकल गया अभी जस्ट। ये जो ऑर्डर निकल रहे हैं ये किन लोगों से बातचीत करने के बाद निकल रहे हैं? क्या वो अधिकृत हैं बातचीत करने के लिए? कौन लोग बात कर रहे हैं बताइए मुझे। मुझे तो इस बात की जानकारी नहीं है, मुझे तो किसी ने कोई बात नहीं कही, ना कोई ऑर्डर बताया, ना कोई बात हुई कि भाई आपकी क्या मांगे, मेरे से तो पूछा नहीं, मेरे को ये भी बताया नहीं गया कि ये हमने मान ली। यानी कि ये बात माने कि आपसे बातचीत नहीं की इसलिए आंदोलन जारी है? मेरे से बातचीत नहीं, ये हमारे जो हमारे संगठनों के अधिकृत प्रतिनिधि हैं, जिन संगठनों के बैनर पे ये आंदोलन चल रहा है, जो अधिकृत हैं बातचीत करने के लिए, जो डिसीजन लेने के लिए अधिकृत हैं, अधिकृत, और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो बॉडीज हैं वो है प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम सोसाइटी एंड जयपुर मेडिकल एसोसिएशन। सुनिए मेरी, और जयपुर मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर अनुराग धाकड़, प्राइवेट हॉस्पिटल नर्सिंग होम सोसाइटी के डॉक्टर संजय आर्य और डॉक्टर विजय कपूर, इन पूरी वार्ताओं में कहीं बात नहीं शामिल थे और हमें कुछ बताया नहीं गया, कुछ किया नहीं। और मैं इस आपके माध्यम से एक और अपील कर रहा हूँ, इस आंदोलन को हम अब
पूरे नेशनल लेवल तक फैलाएंगे। मेरी सबसे अपील है हमारे सारे साथियों से अक्रॉस द नेशन, ऑल चिकित्सक बंधुओं से, सारे शहरों, सारे स्टेट से, कि वो हमें सपोर्ट प्रदान करें। सब लोग जुड़ रहे हैं, बहुत अच्छे से जुड़ रहे हैं, और मैं निवेदन कर रहा हूं कि और अच्छे ज्यादा संख्या में जुड़े हैं। इसके साथ ही दूसरा संगठन और जो जयपुर मेडिकल एसोसिएशन है, उन्होंने भी आंदोलन यथावत रखने की घोषणा करी है। हमारे साथ मौजूद है जयपुर मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष अनुराग धाकड़ जी, उनसे बात करते हैं। अनुराग जी, कल एक बड़ी चीज़ सामने आई थी आपके एसोसिएशन की तरफ से, आपके ही सेक्रेटरी जो है उन्होंने कल वहाँ वार्ता की, वार्ता करने के बाद में आंदोलन समाप्त करने की घोषणा हो गई थी। क्या वो घटनाक्रम हुआ जिसकी वजह से ऐसी गफलत सामने आई है? आपके एसोसिएशन का नाम भी सामने आया, अब आपका क्या स्टैंड है पूरे इस पूरे मामले को लेकर के? ये सुबह मुझे मीडिया से ज्ञात हुआ, मैं उस पूरे वार्तालाप और उस प्रकरण में का मुझे पता नहीं था कि उस मीटिंग, कौन सी मीटिंग कब कैसे कंडक्ट हुई। मुझे और हमारी संस्था के सभी कार्यकर्ताओं को हमारे चिकित्सक साथियों ने चुना है, और हमें उनके हितों के लिए कार्य करना है। और आज शाम को हमारा मेडिकल कॉलेज के गेट से जो प्रदर्शन है, उसके पश्चात आगे इस आंदोलन की रूपरेखा को। अभी 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 क्या स्टैंड कर रहा है आपका आंदोलन? आज तो हमारा स्टैंड यही कर रहा है संयुक्त रूप से कि हम शाम को अपना ये निकालेंगे। राजस्थान मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन, उनका क्या रुख रहेगा इस पूरे आंदोलन? राजस्थान टीचर्स मेडिकल एसोसिएशन के बारे में वही बता सकते हैं आपको। तो देखिए, अभी तक का जो रुख है उसमें अभी मीटिंग कंप्लीट हो चुकी है, और कंप्लीट होने के बाद अभी इन्होंने साफ कर दिया है कि जेएमए से जुड़े हुए पदाधिकारी है, उन्होंने क्लियर किया है कि पूरे जेएमए से जुड़े हुए जो चिकित्सक है वो इस आंदोलन में यथावत रखेंगे। तमाम तरह के जो निजी अस्पताल जो है वहाँ पर ओपीडी आईपीडी के साथ में इमरजेंसी सेवाएँ आज से बंद कर दी गई है, और जब तक मांगों पर फैसला नहीं होता है, उनकी मांगों को जो है क्रियान्वयन में नहीं लिया जाता, तो ये आंदोलन जारी रहेगा। जी विकास, बिल्कुल। और इनका कहना है कि बातचीत किससे की गई है, कौन लोग अधिकृत है जिनसे बातचीत हुई, हमें कोई जानकारी नहीं है। और दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि डॉक्टर्स में कोई दोफाड़ नहीं है, सब एकमत एक राय होकर ही फैसला ले रहे हैं। तो ऐसे में आंदोलन खत्म करना है नहीं करना है, कौन से मांगे मानने पर ये आंदोलन खत्म होगा, ये तय कौन करेगा? देखिए, अगर बात करें इस आंदोलन की, तो आंदोलन का रुख जो है वो कल कुछ सकारात्मक आया था, लेकिन आज सुबह जो मीटिंग हुई है उसके बाद में बिल्कुल जो जिस कह सकते हैं कि जिस सोच के साथ आंदोलन शुरू किया गया था वही ट्रैक अभी पकड़ा हुआ है, क्योंकि कल रात को जिस तरह से सहमति पत्र जारी होता है उसको लेकर के डॉक्टर्स का, अधिकांश डॉक्टर्स का मत यह है कि दबाव के अंदर ये पूरा काम हुआ है, और इसलिए वो नहीं मानते इस बात को जब तक उनकी जो मांगे हैं कि 6 जो कल्प्रिट है उन सभी के खिलाफ 306 की धारा मुकदमा दर्ज किया जाए, उनको गिरफ्तारी की जाए, तब तक ये आंदोलन यथावत जारी रहेगा। इसीलिए इस बात को लेकर जीबीएम में बड़ी गर्मागर्मी भी हुई, लेकिन उसके बाद में एक स्वर से फैसला लिया गया कि आंदोलन जो है चिकित्सकों का यथावत रहेगा, और जब तक सरकार इसकी मांगों को मानती नहीं है तब तक ये आंदोलन जो है उस पे डॉक्टर अड़े रहेंगे। जी बिल्कुल। और विकास, सिक्के का तो एक पहलू ये है कि इन्होंने कहा कि हम आंदोलन जारी रखेंगे जब तक मांगे नहीं मानी जाती, और बहुत ज्यादा मांग हमारी नहीं है, लेकिन जो एक मांग हम पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं उसको मान लिया जाए तो ये आंदोलन खत्म करेंगे। लेकिन इसके दूसरे पहलू पर अगर बात करें, ओपीडी आईपीडी के साथ इमरजेंसी सेवाएं आंदोलन के दौरान बंद रहेंगी, मरीजों को किस तरह से दिक्कत होगी, क्या वैकल्पिक इंतजाम किए जाएंगे सरकार की तरफ से, कौन इसे लेकर इंतजाम करेगा? बिल्कुल, देखिए श्वेता, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, आम जनता की जिंदगी जुड़ा सवाल है, क्योंकि इस वक्त तमाम जितने मैं जहां तक मुझे पता है निजी अस्पतालों की इमरजेंसी शायद पिछले 10 से 15 सालों में पहली बार ऐसी स्थिति बनी है जब इमरजेंसी सेवा बंद की गई है, जो अपने आप में बहुत बड़ा फैसला है। उसको लेकर के अनुराग शर्मा जी कल मीटिंग में वहां मौजूद थे, इन्होंने कल वहाँ पे मीटिंग के बाद में फैसला, इनकी मौजूदगी में चर्चा हुई थी, और उसके बाद में आईएमए ने प्रेस नोट जारी किया था, लेकिन ये कह रहे हैं कि इनका कोई इसमें भूमिका नहीं थी। इनसे बात करते हैं। पहली बात तो ये कि जो आंदोलन की रूपरेखा है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने सबने इमरजेंसी सेवा बंद कर दी है, क्या लगता है कि जो अस्पताल में मरीज पहुँच रहे हैं, जो पीड़ित लोग पहुँच रहे हैं, उनकी कौन देखभाल करेगा अगर इमरजेंसी सेवा बंद कर दी जाए तो? प्रथम दृष्टा मैं यही बोलूँगा, इस घोर असुविधा के लिए हमें बहुत खेद है, मैं जनता से बहुत करबद खेद व्यक्त करना जो है ना वो एक बात नहीं है, पब्लिक की बात ही सोचिए आप इसमें। देखिए, एक निर्मम हत्या सी हुई है ना, वो आत्महत्या कतई नहीं है, आपको भी मालूम है, सब इस बात से व्यथित हैं, बहुत संवेदनशील मुद्दा है और बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंस है। दो बातें होनी चाहिए, मरहूम महिला को न्याय मिले, मरहूम डॉक्टर साहब को न्याय मिले, और इसकी पुनरावृत्ति ना हो, ये सभी का प्रयत्न है। और सरकार एडमिनिस्ट्रेशन की मौजूदगी में बातचीत हुई थी, उसके बारे में सहमति पत्र भी जारी हुआ था कुछ? नहीं, मेरे को सहमति पत्र का कोई ज्ञान नहीं है, मेरे को स्टेट आईएमए ने आदेश दिया था,
हमारे प्रेसिडेंट साहब अनुराग धाकड़ जी के पास सूचना गई थी, अनफॉर्चुनेटली वो पिकअप नहीं कर पाए फ़ोन, तो सचिव जीएमए के रूप में सेकंड इन कमांड के रूप में मेरे को स्टेट आईएमए का आदेश आया कि अनुराग जी आप जाइए और कुछ दो महत्वपूर्ण जो कागज़ हैं वो आपको वहाँ पर मिलने वाले हैं, आप जाके ले आइए। तो मैं गया वहाँ पर, मुझे दो कागज़ दिए गए। आखिरी सवाल यही है कि अब रूपरेखा क्या रहेगी, लोगों की जो दिक्कतें हैं उसको देखते हुए कोई सकारात्मक रूप बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जाएगी इसमें? सरकार अगर कुछ और वार्ता करती है, आपके मांगों पर गंभीरता से विचार करती है, कुछ लिबरल लुक आपका भी रहेगा? डेफिनेटली रहेगा, पर जैसा कि अभी सारी फ्रेटर्निटी ने डिसीजन लिया है, सब यहाँ पे संगठन मौजूद हैं, सबके पदाधिकारी मौजूद हैं, सब डॉक्टर्स यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में एकजुट होकर यहाँ पे आए हैं, तो अब ये एक जो मांग एक सूत्रीय निकल के आई है वो ये है कि सब छः जो कर्म पुलिस और जो तीन और तीन पुलिस और तीन जो अलग से लोग थे उनके विरुद्ध 306 की धारा लगा के उनको तुरंत गिरफ्तारी की जाए। देखिए श्वेता, एक मांग, एक जो बिंदु है उस पर अटक गया पूरा मामला कि जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए, 306 की धाराओं पर लगाई जाए, तभी जाकर के आंदोलन जो है वो टूट सकता है, उसका गतिरोध टूट सकता है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया विकास आपका इस पूरी जानकारी के लिए। हालांकि आंदोलन अपनी जगह, लेकिन दूसरी तरफ जब डॉक्टर्स के आंदोलन की बात आती है तो जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि कहीं किसी इलाज की कमी की वजह से किसी व्यक्ति की जान न जाए, इसे भी ध्यान रखना होगा।